आखिरकार स्कूल में छुट्टियां हो गई, अब मजा आने वाला था। हम स्विमिंग करने जाने वाले थे, फिल्म देखने वाले थे, म्यूजियम जाने वाले थे, वॉक्स पे जाने वाले थे, और हमने तो एक बड़ी पॉटलक पिकनिक का भी प्लान बनाया था। और इस बार एजियन भी आने वाला था, उसके डैड ने परमिशन दे दी थी, और इस तरह छुट्टियों की सही शुरुआत हो चुकी थी मेरे और कैट नोआर के लिए भी। हमारे सामने कुछ मिशन आए जरूर, लेकिन कोई अकॉम्प्लिश्ड विलन नहीं आया। लगा जैसे हॉक मौत की छुट्टियां मनाने गया है। हम सब मजे कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हॉक मौत के लिए छुट्टियों का क्या मतलब है। बेसिकली हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, और फिर अचानक गड़बड़ होने लगी। एक बाइसिकल पंप, वेल इसका तुम क्या करने वाली हो? मेरे पास एक आइडिया है पर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। भागना क्यों, जब मैं आखिर बदला ले सकता हूँ अमेरिका के सबसे प्यारे हीरोज के प्यारे बच्चे को खत्म करके। मलेरी, तुम्हारा भरोसा टूटने के डर से मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब तो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती ना। ये लो। अभी के लिए काफी है टेक्नोलाइजर। क्या हुआ? अंदर आओ, तलवार वहीं छोड़ दो। गलती है। तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ कर सकती हूँ। ओह अच्छा, अपने मैजिक बाइसिकल पंप से। बिल्कुल। मिरेकुलस लेडीबग। तुम दोनों खतरनाक हो। नहीं, और तुम भी। मेरा कहना नहीं माना, तुम्हें हमें बुलाना था पर नहीं बुलाया। मैं तुम्हें अपने सिविलियन रूप में लौटने का और शक्ति के सोर्स लौटाने का हुक्म देता हूँ। शहर से निकलने से पहले तुम्हें वो मिल जाएंगे। सर नहीं कर सकते, ये सच है हमने गलती की, पर मैंने सब ठीक कर दिया। अगर तुम्हारी शक्ति से कैट नोआर की गलती ठीक होती है तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। पर ऐसी ही ठीक है। क्या होता अगर तुम अनकैनी को ठीक नहीं कर पाते, या अगर वो एक एंड्रॉइड न हो? हम अपना मिरेकुलस नहीं दे सकते। वहीं रुक जाओ, ये मेरा हुक्म है। ओके, क्वामी इसको खाना खिला के पेरिस चलते हैं रोबस्टस को ठिकाने लगाने। आज पेरिस पर एक विलन हमला करके अपने आप ही गायब हो गया। क्लारा कॉन्टार्ट वहाँ मौजूद है। सब हैरान है, लेडीबग और कैट नोआर क्यों नहीं आए, और विलन के किए गए नुकसान को क्या लेडीबग रिपेयर करेगी? हमने पेरिस लौटने में बहुत वक्त लगा दिया, मैं अब और कुछ नहीं कर सकती। पेरिस लौटते ही तुम लकी चार्म नहीं यूज कर सकती? मेरी पावर मुझे मैजिकल ऑब्जेक्ट ला कर देती है जिससे किसी खास विलन के किए नुकसान को रिपेयर किया जा सकता है, पर ये विलन तो जा चुका है। यानी रिपेयर करने का कोई चांस नहीं है? सब मेरी वजह से हुआ, तुम सही थी हमेशा की तरह। शायद मुझे नाइट आउल को मेरा मिरेकुलस दे देना चाहिए। तो मैं बिना बताए पेरिस से आया, सब गड़बड़ कर दी, और अगर अनकैनी रोबोट ना होती तो मुझसे हुआ नुकसान कभी ठीक ना हो पाता। स्पॉट्सा क्लॉसन, मुझे माफ कर दो दोस्त। ओ, नहीं। तुम्हें आजाद करता हूँ। क्या? फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं। रुको। कैट नोआर। सोचा था प्रोडिजियस और तुम्हारा मिराकुलस दोनों एक ही दिन में।
मेरे पैसे कहाँ हैं? हम तीन हैं और तुम अकेले हो हॉकमॉन। खेल खत्म हुआ। खेल खत्म पर जान लूओ शी, मैं हूँ हॉकमॉन। तुम नहीं चाहोगे कि इंसाफ और बदले के बीच फर्क नहीं समझने वाली लड़की को तुम प्रोडिजियस की होल्डर बनने दोगे। यामा की तरह किंग ऑफ इन्फर्नल मैं भी तबाही मचाऊंगा जब तक वो ज्वेल मुझे लौटा नहीं देते। एड्रियन, नहीं और नहीं, यान लुओशी रुको, वरना तुम्हारी ताकत से रुका। मैं किसी के नहीं सुनता। ओके, तो ये बुरी खबर है या अच्छी खबर? रिचार्ज होकर कोई नया प्लान सोचते हैं। मुझे मेरा प्रोडिजस वापस दो। तुम इसके लायक नहीं हो। सही कहा। नहीं, सिर्फ तुम ही उसे हरा सकती हो। सिर्फ ड्रैगन की ताकत ही उसके अंदर मौजूद अकुमाटाइज्ड ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकती है। काश मैं ड्रैगन की ताकत इस्तेमाल कर पाती, पर मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम ये कर सकती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, और कोई चारा नहीं है। मैं अपनी ताकत उसके ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। अरे छोड़ो, तुम पुरानी बातें भूल जाओ। कहो कितना चाहिए तुम्हें? रुको रुक जाओ, हम बात करके सुलझा सकते हैं ना। तुमने मेरे पिता का स्कूल तबाह किया, मुझे अनाथ बनाया और चोरी करने के लिए मजबूर किया। मेरे पिता की सिखाई हुई सभी अच्छी बातें मुझे तुम्हारी वजह से छोड़नी पड़ी। शुरू से ही मेरी बदकिस्मती की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। और ये सब किसके लिए? पैसे। तुम्हें जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। पर आज मैं इंसान को अपना काम करने दूंगी। वेल डन से, तुम वाकई असली रेन रेन हो। वक्त आ गया है। मैं यही सोच रहा था कि तुम इसे कब पहनोगी। मिशी, तुम्हें लगा मेरा मिशन खत्म हो गया, लेकिन ये तो मेरी शुरुआत है। लेडीबग, कैट नोआर, मदद के लिए शुक्रिया। अब हमें बस मैरिनेट को ढूंढना है। हाँ सही कहा, हमें ढूंढना है मैरिनेट को। घबराओ मत, मैंने उसे सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया है। यिंग, क्यों ना तुम्हें शंघाई की अदालत में पहुँचा दिया जाए। तो क्या हम घर जा रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम भी यही चाहते हो तो। अच्छा, दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा, आर्कटिक के रास्ते से या एंटार्कटिक के? ओह क्या कमाल का सवाल है, ये मैंने भी खुद कई बार सोचा पर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। एक बात कहूँ, हमें अभी ये करना चाहिए, और अगली बार जब हम मिलेंगे पेरिस में तो स्टॉपवॉच चेक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं इस तरफ जाती हूँ। तो मैं उस तरफ जाता हूँ, चलो मिलते हैं। वुहू।